हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लॉकडाउन टाइम पीरियड में घर पे बैठ के पढ़ाई करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो पढ़ाई करने के लिए वीडियो कंटेंट ही सबसे बढ़िया बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हैं पढ़ने के लिए। इसलिए हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए ये वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करवाने हैं, लेकिन उन न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम सभी कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ लें जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। डॉट पोलैरिटी, म्यूचुअल इंडक्टेंस के पॉइंट अक्सर ही आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत करते हैं, इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं डॉट पोलैरिटी। तो डॉट पोलैरिटी को जाने उससे पहले जरूरी है कि हम जान लें म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या और ये क्यों डॉट पोलैरिटी की नीड आई, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम समझने के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में समझेंगे, जिसके अंदर आपने अक्सर पढ़ रखा होगा, अगर कोई वायर को हमने कई सारे टर्न्स दे करके एक इंडक्टर का फॉर्मेशन दे दिया, इसी वायर को कई सारे टर्न्स दे के एक इंडक्टर का फॉर्मेशन दे दिया, तो वो एक इंडक्टर, एल इंडक्टर लेकर के एक फ्लक्स डेवलप करता है, फ्लक्स डेवलप करता है। अब ये जो फ्लक्स डेवलप हो रही है, मान लिया फ्लक्स फाई है, इसमें डेवलप होने वाला वोल्टेज V है, करंट I है। अगर ये सिंपल इंडक्टर है तब तो आपको पोलैरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब ये दो इंडक्टर एक साथ हो जाएं, दो या दो से अधिक एक साथ हो जाएं, तब उस केस में हम क्या करेंगे। हम देखते हैं इसी इंडक्टर को अगर मैंने दो बार बना दिया, दो इंडक्टर हो गए, तो अब एक इंडक्टर L1, दूसरा इंडक्टर L2, इसके कारण जो फ्लक्स डेवलप होगी, मान लिया ∅1, ये फ्लक्स इनके फ्लक्स के साथ, मतलब L2 के कारण डेवलप होने वाली फ्लक्स के साथ ये क्या हो रही है, लिंक हो रही है। ये फ्लक्स, सीधी सी बात है, अगर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो किसी भी डायरेक्शन, मान लिया इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फ्लक्स इधर कहीं जा रही है, तो ये सीधी सीधी फ्लक्स जब आगे जा रही है, तो इस आगे की फ्लक्स के साथ इन दोनों का क्या करेगी, ये लिंक करेगी, लिंक करेगी। अगर ये लिंक कर रही है, तो अब लिंक करने के केस में दो केस बनते हैं, मान लिया इसका फ्लक्स था ∅2, इसका फ्लक्स था ∅1, तो दो केस क्या क्या बन गए, पहले फ्लक्स के कारण ∅1 प्लस ∅2, केस वन, या तो ये फ्लक्स आपस में ऐड करेगी, मतलब सपोर्ट करेगी, या तो ∅1 डिफरेंस विद ∅2, ये फ्लक्स आपस में या तो अपोज करेगी, ये फ्लक्स आपस में अपोज करेगी। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि फ्लक्सेस आपस में या तो सपोर्ट कर रही हैं या अपोज कर रही हैं, इन्हीं फ्लक्स को बार बार हम रिप्रेजेंट ना करके हम शो करते हैं डॉट पोलैरिटी के साथ। डॉट पोलैरिटी के साथ अब मान लीजिए हमें दिखाना हो इनका सपोर्टिव रोल, ये दोनों आपस में जब सपोर्ट कर रही हैं, तो हमने दो इंडक्टर बना करके दो ऐसी पोलैरिटीज बना दी जिसके थ्रू हमें शो हो सके कि ये एडिटिव हैं। हमने कह दिया, मान लेते हैं कि ये पोलैरिटीज क्या है, एडिटिव हैं। लेकिन अब इसी पोलैरिटी को मैं जस्ट बदल दूं किसी एक के साथ, पहली पोलैरिटी को हमने सेम रहने दी, अब दूसरी पोलैरिटी को उठा के हमने रिवर्स कर दिया, तो अगर पहली पोलैरिटी, इस पहली पोलैरिटी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली थी, तो अब दूसरी पोलैरिटी इसको अपोज करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, ये सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, हमें ये चेक करना है।
अब आगे डॉट पोलैरिटी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे कि कब सपोर्ट करेगी कब अपोज करेगी। अगर आप सबको क्लियर हो तो अब हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि डॉट पोलैरिटी इन केस ऑफ, अगर हम सीरीज की बात करें, सीरीज इंडक्टर, दो इंडक्टर ले लिया मैंने, इसमें हमने मान लिया करंट क्या फ्लो हो रही है I, यहां पे L1, यहां पे L2, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस M, वोल्टेज V1, वोल्टेज V2। हमने ऐसा मान लिया कि दो सीरीज इंडक्टर हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनकी फ्लक्सेस जो आपस में कनेक्ट होंगी तो ये सपोर्ट करेंगी या अपोज करेंगी, हम इस चीज को चेक करने वाले हैं। अब चेक करने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, पहली करंट मान लिया ये किसी कॉइल के ऊपर से गुजर रही है। कैसे गुजर रही है? कॉइल के ऊपर से, मीन्स करंट इधर गई, ये गई, आगे गई, इसके आगे, इस तरह से आगे बढ़ रही है। ये कोर है, कोर के ऊपर से करंट आगे फ्लो कर रही है। हमने मान लिया ये जो वायर है कोर के ऊपर से ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये जस्ट बेंड होकर के। तो अगर करंट टर्न होकर के आ रही है, करंट की डायरेक्शन ये शो कर रही है, तो थंब क्या शो करेगा? फ्लक्स की डायरेक्शन, बिल्कुल फ्लक्स की डायरेक्शन। तो इसकी जो फ्लक्स बनेगी वो इन डायरेक्शन में होगी, मान लिया फाई वन। कैसी बनेगी? फ्लक्स फाई वन। अब इस फाई वन के कारण, जस्ट करंट, सेम करंट यहां से ये आगे आ रही है, तो यहां पे भी आने वाली करंट क्या होगी? आई। ये आई करंट इसके साथ एल टू के साथ मिल करके, आई करंट L2 के साथ मिलकर के अब आगे इसके साथ भी फ्लक्स का फॉर्मेशन करेगी। सेम प्रोसीजर दोबारा मान लिया, पोलैरिटी सेम दिख रही थी, हमने दोबारा मान लिया कि इसकी डायरेक्शन ऐसे ही है, कोर के ही ठीक ऊपर से होके आ रहा है। अगर करंट के ठीक ऊपर से आ रही है तो करंट की डायरेक्शन अगर फिंगर शो कर रही है तो थंब क्या शो करेगा? फ्लक्स की डायरेक्शन। अगर ये फ्लक्स की डायरेक्शन शो कर रहा है तो फिर से करंट की डायरेक्शन से फ्लक्स टू फाई टू सेम डायरेक्शन में होगा। इससे आपको पता चला कि दोनों फ्लक्सेस आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। मान लिया फ्लक्सेस आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। पोलैरिटी, डॉट पोलैरिटी जो आ रही है ये एडिटिव नेचर की हो रही है। अभी ये जरूरी नहीं है कि ये सेम ऐसे ही होने के कारण एडिटिव हो, मैं इसी को अभी बना करके आपको दिखाऊंगा, उसमें सब्ट्रैक्टिव भी दिखेगी। आगे देखते हैं, मान लिया अब थोड़ा सा डेरिवेशन देख लिया जाए कि अगर इसके कारण अगर हम पोलैरिटीज लेकर के चल रहे हैं तो डेवलप होने वाला टोटल इंडक्टेंस कितना आएगा। पहले केस में करंट का मान समान है, तो पहले इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट I1 जो कि बराबर होगी दूसरे करंट में फ्लो होने वाली करंट I2 टोटल करंट I के। तीनों ही केस में ये बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो किसी भी इंडक्टर में डेवलप होने वाला वोल्टेज किसके बराबर होता है? V1 बराबर L टाइम्स ऑफ डी आई वन बाई डी टी बराबर होता है, सभी को पता है। V2 बराबर होता है L टाइम्स ऑफ डी आई टू बाई डी टी। अब ध्यान देने वाली बात है कि इतनी दूरी में, मतलब इतना प्रोसीजर करने में अभी तक मेरे पास L का वैल्यू नहीं आया। जो लिंक, मतलब इनके प्लस जो दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट इन वोल्टेजेस पे आना चाहिए। वो कैसे आएगा अब हम ये देखते हैं। पहले केस में ध्यान दिया कि इसके कारण डेवलप वोल्टेज कितना था? एल डी आई वन बाई डी टी। लेकिन अब इस एल के कारण, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण
इसकी जो करंट होगी मतलब इसका जो फ्लक्स होगा वो इसको रिंक कर रहा है ना, तो m इंटू डी आई टू बाई डी टी प्लस में m इंटू डी आई टू बाई डी टी। सेम प्रोसीजर में इस केस में देख रहे हैं, v2 के केस में हम जब आ गए तो v2 के साथ पहले केस में तो l2 तो ऐसे ही काम कर रहा है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए कॉमन है ना, तो m के साथ प्लस में m ये किसके कारण आ रहा है, पहली करंट के कारण आ रहा है, इसलिए हमने ले लिया di1 by dt। क्योंकि हम जानते हैं i1 बराबर i2 बराबर i, तो सभी जगह हम इसको हटा करके i रख सकते हैं, हम इन्हीं को हटा करके सभी जगह पे i रख देंगे तो l di by dt प्लस में फाई एम डी आई बाई डी टी, वैसे ही एल एल वन एल टू एल वन एल टू डी आई बाई डी टी प्लस में एम डी आई बाई डी टी। यहां से इतना तो मिल गया। अब आप जानते हैं सीरीज के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो टोटल इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट बराबर हो गया V1 प्लस V2, क्या हो गया V1 प्लस V2, और ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जा रहा है L1 d I y d t प्लस में L2 d I y d t प्लस में 2 टाइम्स ऑफ m di by dt, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें से कुछ पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा है, di by dt तीनों के साथ आ रहे हैं, तो हमने मान लिया l1 प्लस l2 प्लस में 2m कॉमन होकर के डी आई अपॉन में डी टी, ये टोटल बराबर हो गया बी इक्विवेलेंट के। अब आप जान रहे थे ये टोटल करंट थी आई जो कि एक इक्विवेलेंट करंट थी, यहां पे डेवलप होने वाला वोल्टेज कैसा है, इक्विवेलेंट है, तो यहां पे करंट इक्विवेलेंट, यहां वोल्टेज इक्विवेलेंट, तो यहां पे टोटल इंडक्टेंस कैसा होगा, इक्विवेलेंट, तो यही यहां से बराबर हो जाएगा L इक्विवेलेंट डी आई इक्विवेलेंट अपॉन में डी टी के। यहां से कंपेयर करने पर आपको मिल जाएगा, कंपेयर करने पर आपको मिल जाएगा L बराबर या L इक्विवेलेंट बराबर L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2 ऑफ m, पहले केस में जब हमने देखा डॉट पोलैरिटीज, दोनों की डॉट पोलैरिटीज आपस में क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और इलेबरेट किया जाए, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, केवल हम ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों प्लस आपस में लिंक कैसे कर रही हैं। हम मान लेते हैं एक कोर है, कोर मीन्स एक रॉड, इसके हमने एक सिरे से तार का फ्लो चालू किया, अब यही कोर आगे जाकर के फिर दूसरे के साथ मिल रहा है, एक कोर के साथ ये दूसरे कोर पे आगे जाके मिल रहा है, तो अब इसी का कॉम्बिनेशन दोबारा स्टार्ट होगा। हमने कह दिया कि ये आगे जाकर के
वायर पे मिल गया। टोटल वायर यहां से करंट का फ्लो हुआ, इसके पीछे से होकर के ये ऊपर निकल के आ रही है। आगे जाते हुए ये यहां से गुजरते हुए ऐसे आगे बढ़ रही है। हमने देखा राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से अगर करंट का फ्लो किसी भी कोर में, करंट का फ्लो, ये कोर है इसके ऊपर करंट का फ्लो इन डायरेक्शंस में है, मतलब फिंगर अगर हमारी करंट शो कर रही है तो हमारा जो डेवलप फ्लक्स होगा वो क्या शो करेगा, थंब हमारा आपका डेवलप फ्लक्स शो करेगा। तो इसके कारण आपको पता चला फ्लक्स जो हो रही है वो आपकी इन डायरेक्शंस में आ रही है, इसमें से निकलने वाली फ्लक्स की डायरेक्शन इधर आपको पता चल गई। सेम प्रोसेस हमने दोबारा देखा, अब ये कोर पे हमने दोबारा देखा तो ये कोर हमारे पास वापस वैसे ही है और करंट का फ्लो ऐसे ही है, फिंगर हमारी वैसे ही करंट शो कर रही है। अगर ये करंट शो कर रही है तो थंब अभी भी क्या करेगा, फ्लक्स शो करेगा। तो ठीक आगे, इसके आगे हमने देखा कि यहां पे फ्लक्स इसके आगे बढ़ गई, दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है। अगर फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है तो हम कह सकते हैं इसका फ्लक्स फाई वन इसके फ्लक्स फाई टू को आपस में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सेम प्रोसीजर में हमने देखा अगर करंट यहां से एंटर कर रही है, हमने इस नोड को कह दिया प्लस पॉइंट, क्या कह दिया, प्लस पॉइंट। तो सेम प्रोसीजर में ये घूम के जब आगे जा रही है, इस जहां से एंटर कर रही है इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लस पॉइंट। और दोनों प्लस पॉइंट होने के कारण दोनों कैसे हो गए, सेम पोलैरिटी, कैसे हो गए, सेम पोलैरिटी। दोनों का अपोजिशन देख रहे हैं आप कि यहां से दोनों प्लस होने के कारण ये क्या हो गया, ऐड हो गया। इसका प्लस फाइव वन दूसरे प्लस फाइव वन के साथ फाइव टू के साथ ऐड हो गया। तो हमने देखा टोटल इंडक्टेंस मतलब डॉट पोलैरिटी का ये कॉन्सेप्ट आपस में कैसा शो कर रहा है, एडिटिव नेचर। इस एडिटिव नेचर के कारण, इस एडिटिव नेचर के कारण हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल, इस एडिटिव नेचर के कारण हमने देखा कि टोटल L इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, L1 प्लस L2 प्लस 2OF। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो अब हम आगे बढ़ें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देखेंगे इन्हीं सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे अपोज सपोज हो रहा है तो दूसरे केस में अपोज होगा तो क्या होगा। उसके लिए सेम प्रोसीजर में हम दोबारा स्टार्ट करेंगे इसी को अपोजिशन के केस में। दो इंडक्टर फिर से हमने मान लिए L1 यहां पे L2 करंट फ्लो I, यहां से हमने ले लिया पहले हिस्से पे इसको प्लस, इसको ले लिया अब इधर डॉट पोलैरिटी। अभी भी यहां पे हमने V1 दे दिया, यहां पे हमने V2 दे दिया, पहले वाले के कारण फ्लक्स फाई वन मान लिया, दूसरे वाले के कारण फ्लक्स फाई टू मान लिया। अब ये हमें शो करना है कि कब ये इन दोनों का अपोज करेगा, कब ये इन दोनों का अपोज करेगा। सेम प्रोसीजर में हम इसको दोबारा देखेंगे। देखने में तो ये लगता है कि अगर करंट जिस दिशा में जिस हिस्से से एंटर कर रही है, करंट जिस हिस्से से एंटर कर रही है, ये प्लस पोलैरिटी ये माइनस पोलैरिटी बननी चाहिए। अब ऐसा होने पर यहां पे भी ऐसा आएगा तो प्लस और माइनस आना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन अब डॉट पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। पहले केस में दोनों सिमिलर दिख रहा था, हमने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गए। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, पहले केस में प्लस, यहां माइनस, इस डॉट को मतलब क्या हो गया, यहां पे शो हुआ प्लस। लेकिन अब यहां पे जब आ गए, इस जगह पे करंट इंटर कर रही है तो यहां बना प्लस, लेकिन डॉट होने के कारण, डॉट कहां पे है, इस जगह पे, प्लस किधर बनना चाहिए, इस जगह बनना चाहिए, प्लस हमारा इस जगह पे बनना चाहिए और माइनस इस जगह बनना चाहिए। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है कि नहीं है,
ये प्लस माइनस इस प्लस माइनस के ठीक रिवर्सल है। हम देख रहे हैं दोनों की पोलैरिटीज आपस में रिवर्स हो गई। तो पहले केस में यहाँ पे अगर phi1 बन रहा था तो अब इस केस में यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ phi2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर बनेगा तो अब इसका सपोर्ट देखते हैं, तो phi1 प्लस टाइम्स ऑफ माइनस phi2, phi1 प्लस टाइम्स ऑफ माइनस phi2, दैट इज इक्वल टू phi1 माइनस ऑफ phi2। क्लियर है? चलिए अब इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम इसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। बंद कर दूं?